मोली ने फाइनली जिंदगी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है, जो 3 साल से वो इनकार कर रही थी, फाइनली उन्होंने हाँ भर दिया सीन के बारे में एक, क्या एक फुल स्टॉप लगा रखा था, कॉमा भी नहीं फुल स्टॉप ही लगा रखा था उसने। तो अब कुणाल के आने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो शादी करने वाली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वो ये कहीं नहीं रिबाउंड इज नॉट राइट इज नॉट द राइट वर्ड बट मतलब उसका जो वो दर्द दिखा है ये जानने के बाद कि कुणाल और उसकी पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची साथ में हंसी खुशी एक परिवार में रह रहे हैं, वहाँ वो अकेले है, एक दोस्त है जिसको उसे फुली एक्सेप्ट नहीं किया है इतने सालों से, एंड उसके बच्चे को भी उसने वो पिता का प्यार मिलने नहीं दिया है कहीं, शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट ऑल्सो, सो दैट हैज़ इंस्टिगेटेड हर टू इस शादी के लिए हाँ बोलने के लिए उसको इंस्टिगेट किया है, ऐसा साइकोलॉजिकली मेरा ये सोचना है। तो ये डिसीशन भी सही है या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ शी शुड नॉट एट ऑल बी गोइंग बैक टू कुणाल, एक औरत होने के नाते, सिर्फ एक माँ नहीं, कुणाल की ही माँ नहीं, सिर्फ एक मौली की माँ नहीं, एक औरत होने के नाते आई सर्टनली वुड नॉट एडवाइज कि उसे कुणाल के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन वो हेस्टी डिसीशंस जो होते हैं ना जिंदगी में कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा तो आपको क्या लगता है ये डिसीजन कितना सही है, मतलब मौली ने जो फैसला लिया है वो ईशान के साथ नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगी, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है कदम? वही मैंने आपको जवाब दिया इस बारे में, ईशान अच्छा लड़का है एंड वो सच में एक अच्छा लड़का है एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी, अगर वो अच्छा लड़का नहीं होता तो हम लोग शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करते अपनी ज़िंदगियों में। तो जहाँ हम बहुत ही खुश हो सकते हैं इस बात के लिए कि मौली अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही है, वहाँ एक और सवाल है कि मतलब इस जंक्चर पे इस तरीके से वो हाँ बोल रही है, क्या वो सही बोल रही है, सही डिसीजन ले रही है, इज़ द ओनली क्वेश्चन। क्या कहीं वो बस ऐसे ही हाँ तो नहीं बोल रही है जस्ट बिकॉज शी सीइंग द अदर पर्सन जिसने उसको धोखा दिया है, वो खुश है, उसकी बच्ची खुश है अपनी बच्ची को और अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ों के लिए, तो कहीं वो हाँ नहीं बोल रही है, ये एक थोड़ी सी ड्रॉबैक हो जाएगा। थैंक यू।